वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मॉल्ट विस्की का थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मॉल्ट विस्की एंटायरली 100% मॉल्टेड बार्ले से ही बनी होती है। तो अलग अलग मॉल्ट विस्कीज के लेबल्स पर तुमको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो है सिंगल कैस्क मॉल्ट, सिंगल मॉल्ट और वेटेड मॉल्ट। तो सिंगल कैस्क मॉल्ट ये स्पेशल कहकर बेची जाती है, ये एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी विस्की है और इसको मैच्योर करने के लिए पर्टिकुलर कैस्क में कई सालों के लिए मैच्योर करते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंगल कैस्क मॉल्ट वो प्रोडक्ट है जो कि एक सिंगल कैस से, एक इंडिविजुअल बैरल से बॉटल करते हैं। नंबर टू, सिंगल मॉल्ट, ये एक सिंगल डिस्टिलरी का अनब्लेंडेड प्रोडक्ट है और सिंगल मॉल्ट को स्ट्रेट मॉल्ट भी कहते हैं। नंबर थ्री, वेटेड मॉल्ट, वेटेड मॉल्ट का मतलब है कि ये विस्की है तो सिंगल मॉल्ट पर डिफरेंट डिस्टिलरीज के सिंगल मॉल्ट का ब्लेंड है। इतना क्लियर हो गया? और अब देखो मेन मॉल्ट्स और उनके रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विस्की को समझने के लिए, क्योंकि इन्हीं मॉल्ट्स पर विस्की का कैरेक्टर, उसकी बॉडी डिपेंड करती है। तो मेन मॉल्ट्स के चार रीजन्स हैं। फर्स्ट हाईलैंड मॉल्ट, लोलैंड मॉल्ट, कैंबल डाउन मॉल्ट और लास्ट आइलैंड और सी साइड मॉल्ट। तो सबसे पहले हाईलैंड मॉल्ट। तो जब स्कॉट्स हाईलैंड को रेफर करते हैं तो वो स्कॉटलैंड के अपर 2/3 एरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें वहां के कस्टम्स और लैंग्वेज सब कुछ शामिल है। तो हाईलैंड बहुत ही बड़ा रीजन है और सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस है। हाईलैंड मॉल्ट की विस्की क्लीन, स्वीट और सटल होती है। और यहाँ की कुछ फेमस विस्कीज हैं मैकलन, ग्लेनलिवेथ, डलमोर और ग्लेनमोरेंज वगैरह। सेकेंड, कैंबल टाउन मॉल्ट, ये हाईलैंड मॉल्ट का ही एक सब रीजन है और कभी इसको विस्की कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड कहते थे। यहाँ की विस्कीज फुल बॉडीड होती हैं, चॉकलेट, टॉफी और कैरमल के नोट्स के साथ। नंबर थर्ड, लोलैंड मॉल्ट, लोलैंड के मॉल्ट बहुत ही लाइट होते हैं और जनरली ब्लेंडेड विस्कीज के लिए यूज करते हैं। यहाँ के मॉल्ट बहुत जल्दी मच्योर हो जाते हैं। अब नंबर फोर्थ, आइलैंड ऑफ स्काई, मल, ऑर्किनी, अरान एंड जूरा। तो सबसे पहले स्काई, स्काई प्रोड्यूस करता है पावरफुल विस्कीज लाइक तलिस्कर जो कि स्पाइसी और सॉल्टी नोट्स लिए होती है। आयल ऑफ मल, यहाँ की विस्कीज हाईली पीटेड बट बिट स्वीट होती हैं। एग्जाम्पल चौम्बर मोरी और केनी आयल। तो यहाँ की विस्कीज स्पाइसी, स्मोकी, सॉल्टी और पीटी होती हैं। एग्जाम्पल हाईलैंड पार्क और स्कापा। और स्कापा हाईलैंड पार्क से थोड़ा ज़्यादा सीवीड की सॉल्टीनेस के साथ होती हैं। अरान, तो यहाँ की विस्कीज में दूसरी आइलैंड की तरह कोई खास बात नहीं होती। और एट लास्ट जूरा डिस्टिलरी, तो जूरा की विस्कीज मीडियम पीटेड, स्लाइट सॉल्टी और माउथ कोटिंग क्वालिटीज के साथ होती हैं। तो इतना समझ में आ गया? तो अब मॉल्ट विस्की के बाद शुरू करते हैं ग्रेन विस्की।
तो ग्रेन विस्की बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सीरियल्स, जैसे कि मेज, व्हीट, मिलेट, कुछ बार्ले और थोड़ा माल्टेड बार्ले भी। और ग्रेन विस्की में जनरली मेज मतलब मक्का मेन इंग्रेडिएंट होता है और पेटेंट स्टिल मेथड यूज करते हैं। याद रखना ये दो मेन डिफरेंस हैं माल्ट और ग्रेन विस्की के बीच में। तो ग्रेन विस्की बनाने के लिए मेज को ग्राउंड करके उसे स्टीम के थ्रू अंडर प्रेशर कुक करते हैं ताकि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसके बाद इसे भी माल्ट विस्की की ही तरह मैश टन में डालते हैं और हॉट वाटर के साथ मिक्स करते हैं और फिर वर्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और अब इस कलेक्टेड वर्ट को पेटेंट स्टिल के थ्रू इसमें से सिर्फ हार्ड डिस्टिलेट को ही यूज करते हैं और ये प्रोडक्ट काफी माइल्ड होता है, इसलिए जनरली ग्रेन विस्कीज ब्लेंडिंग के लिए यूज होती हैं। और अब देखो ब्लेंडेड विस्कीज के मार्केट और उसके कुछ ब्रांड्स को। तो दुनिया भर में जितनी भी स्कॉच बिकती हैं उसमें से 90% ब्लेंडेड विस्कीज होती हैं। ब्लेंडेड विस्कीज यूजुअली 50-50 के बेसिस पर माल्ट और ग्रेन विस्कीज का ब्लेंड होती हैं। और जब किसी ब्लेंड में माल्ट विस्की का हायर प्रोपोर्शन यूज करते हैं तो उसे जीलेक्स विस्की बोलते हैं। इन विस्कीज के लेबल पर जो एज प्रिंटेड होती है वो उस ब्लेंड में यूज हुई यंगेस्ट विस्की की एज को इंडिकेट करती है। और बाकी सभी स्पिरिट्स की तरह विस्की मैच्योरिंग कैस्क में ही इंप्रूव होती है। तो ब्लेंडेड विस्की के कुछ एग्जांपल्स हैं बैलेंटाइन, बिल्स, वैट 69, टीचर्स और ब्लैक एंड व्हाइट। और डीलक्स ब्लेंड मतलब हाई माल्ट प्रोपोर्शन वाली विस्कीज के एग्जांपल्स हैं शिवाज रीगल, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, द एंटीक्वेरी, हेग्स टिम्पल और ओल्ड पार। तो स्कॉच विस्की समझ में आ गई? अगर कहीं कंफ्यूजन है तो प्लीज नोट्स को दोबारा से रेफर करो, क्योंकि सारी ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं जैसे कि फर्मेंटेशन, एजिंग, मैच्योरेशन, डिस्टिलेशन और स्टिल्स तो तुमको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। और तुम्हें आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।